वेलकम ऑल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रैक्शंस। हमें फ्रैक्शंस सीखना है यहाँ पर। अब फ्रैक्शंस में हम लोग तीन चीजें देखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड देन मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी सिंपली जब फ्रैक्शन लिखा जा रहा है, राइट? ऑब्वियसली फ्रैक्शन कैसे लिखा जा सकता है? रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म, राइट? इसमें अगर पी इज लेस देन क्यू यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होता है, तो वी कॉल इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिटवीन जीरो एंड वन, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल्स के तौर पर 3/5, 11/16, राइट, और 271/272, ऑल दीज, ओके, दे आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। ऑब्वियसली इन प्रॉपर फ्रैक्शंस में अगर हम इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखेंगे, राइट, तो उस डेसिमल एक्सपांशन का इंटीजर पार्ट विल बी जीरो। यानी आप डेसिमल एक्सपांशन लिखोगे तो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3/5 को डेसिमल एक्सपांशन लिखना चाहता हूं तो इसका डेसिमल एक्सपांशन 0.6 आएगा। व्हाई इज इट हैपनिंग? व्हाई 0 पॉइंट समथिंग? ऑब्वियसली प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ही वो है कि जीरो और वन के बीच में आने वाला फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। आई होप आपको प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ध्यान में आ गया। अब व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी सिंपली अब डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसके पहले क्या था? न्यूमरेटर वॉज लेस देन डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर, ओके, सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स राइट 11/5, ओके, और 17/12, ओके, 17/12, और इफ आई राइट 272/271, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सिंपली बाय ऑब्जर्विंग दैट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वी कैन टेल दैट दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट? बट दीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑल्सो पी बाई क्यू फॉर्म, दैट इज रैशनल नंबर, सो वी कैन कन्वर्ट देम इन टू अ डेसिमल एक्सपांशन। लेकिन उसका डेसिमल एक्सपांशन विल नॉट बी 0 पॉइंट समथिंग, बट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसा कुछ आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 11/5 को लिखूं तो इट विल बी 2.2, राइट? इट विल बी 2.2। एज यू कैन सी, ये यानी 0 पॉइंट नहीं है, जीरो से अलग रहेगा। सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा तरीका हो गया। व्हाट हैपन्स इज दिस 11/5, इसे अगर मैं 11 से छोटा होने वाला 5 का सबसे बड़ा फैक्टर, सो आई कैन राइट दिस लाइक दिस। देखो मैं क्या देख रहा हूं, 11 से छोटा होने वाला 5 का मल्टीपल इज 10, तो आई कैन राइट दिस एज 10/5 + 1/5, दैट इज इक्वल टू 10/5 = 2 + 1/5, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 11/5 या 11/5, राइट, 11/5 इज नथिंग बट 2 and 1/5। सो एक्चुअली व्हेन वी राइट, we divide 11 by 5, what happens is, if we are, let's say, distributing 11 things in 5 people, there are A, B, C, D, E, 5 people. So what happens is, everyone gets 1 each, then everyone gets second thing, that is, everyone is getting 2 each. That is 5 2s are 10, right? And that's why everyone is getting 2, and that is your integer part here. And after that, the remaining is 1, which is to be distributed in 5. It is 1/5. So that's why how much everyone got. So everyone got 2 each, and then 1 was remaining. So 1/5 part of it was given to everyone. And that's why what is the part which is like received by everyone? It is 2 and 1/5. So 11/5 and 2 and 1/5. Are not the two different numbers, they are same, but here we are writing it in the form of numerator and denominator, and in this case we are writing it in the form of integer plus proper fraction. So
So when we write the